मेरे प्यारे मम्मी जी पापा जी, मेरी प्यारी दिल से सिमरन, मेरी फेवरेट भाभी माया, और हाँ तू भी। आज हम सब यहाँ पर मेरे सांड घाव ठीक होने की खुशी मनाने के लिए आए हैं। मुझे मालूम है कि पिछले एक महीने में मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, बहुत। इसलिए उस सब के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि आज आप सब खुल के एंजॉय करें। चल भाई ये सब तो हो गया, अब ये बता कि डिनर खिला रहे हैं कि नहीं, या फिर स्टार्टर में निपटा देगा सबको, हैं? अरे नहीं नहीं पापा जी, आज आपका जो जी चाहे वो ऑर्डर कीजिए। भाई मैं तो ये सांड की सजा है ना मुर्गियों को दूंगा, इसलिए एक अमृतसरी टिक्का, दो मुर्ग मसल्लम और एक रेड कलर का चाइनीज चिकन। अच्छा, चार बियर पहले ही गटक चुके हो, इस पेट में और मुर्गे फिट होंगे। अबे डॉली ये मत भूल कि ये जसबीर दी वालिया दी ग्रेट का पेट है, इसमें पूरा पोल्ट्री फॉर्म भी फिट हो सकता है। सॉरी पुचकी। कोई बात नहीं पुचकू। सही में ऐसे खुशी के मौके ना बाकी बहुत कम आते हैं। और ऐसे खुशी के मौके पे मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली है। थोड़ी जगह बनाना जरूरी है। तो मैं यूं गया और यूं आया। हा? अच्छा पर जल्दी आना, वादा करता हूँ पुचकी जल्द लौटूंगा। ओह माय गॉड, उस टेबल पे वही लड़की। कौन है वो लड़की माया? पीछे वाले टेबल में ये वही लड़की है जो सालों पहले भैया को मंडप से छोड़ के गई थी, रीमा। रीमा तो रजनीश की शादी इससे होने वाली थी? यही है वो रीमा। मम्मी जी मुझ पर गिर रहा है, सॉरी। घस-घस के अंदर मत डालो। रजनीश ने मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि शुभ अवसर पर ना अशुभ बातें नहीं करते। वैसे रीमा की कहानी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, प्लीज। कुछ साल पहले माया और मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, पापा जी की कोठी के ऊपरी मंजिल पर, याद है माया? याद है, भुलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती। 3 दिन में रीमा और रजनीश की शादी होने वाली थी, लव मैरिज। हाँ लव मैरिज, लेकिन फिर हम रीमा के परिवार से मिले। मोनू तू फ्लैशबैक में जा, तब तक मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अरे छोटू का भेज यार। रीमा की शक्ल बिल्कुल अपनी माँ से मिलती है ना। अच्छा ही है ना, बाप से मिलती तो गाल का मस्सा भी पास ऑन हो जाता है इसको। भाई अपने गांव में सरपंच भी हम हैं और पुलिस वाले भी हम। आप लोग अपने आप ने धन्य समझो जो आप लोगों को ऐसा बढ़िया ऐसा महान परिवार मिला। सरपंच भी आप, पुलिस भी आप, क्या मतलब? अच्छा आप पुलिस वाले हैं, लेकिन कपड़े तो आपने डाकुओं के पहने हुए हैं। अरे पापा जी मोनू छोड़िए ना, अब पुलिस वालों की लड़की पुलिस वालों के यहाँ आ रही है तो सवाल क्यों पूछे। है ना रीमा? अब बड़े आपस में बात कर रहे से है, तो करने देना, तू क्यों बोला जा रहा है बीच में? करो जी करो, आप लोग बातें करो। हेलो, हाँ बक। अरे माल की गारंटी मैं लेती हूँ ना। हाँ माल अफगानिस्तान से सीधे आर्या से। हाँ चल। हाँ अफगानिस्तान से कौन सा माल आ रहा है? ड्राई फ्रूट्स होंगे ना, सुना है वहाँ के अंजीर बहुत मीठे होते हैं। जरा खर्चे की बात करो ना। अब अच्छा अब तेरे 2-in-1 समझी जी, वो जरा शादी के खर्चे की बात कर ले। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे यो हम देंगे तो लोगे ना।
अरे यो हमारा दस्तूर सारा ही। शादी का कुछ खर्चा तो उठाओगे ना? उठाएंगे। हाल आपका? सिक्योरिटी मारी। सजावट आपकी? और जी मिलावट मारी। वो भी हमारा दस्तूर से। पर कुछ तो खर्चा उठाओगे? उठा तो उठाऊंगे। रुक जा असंधी जी, ठीक से रायो सारे खर्चे में ना हम थोड़ा आशीर्वाद डाल देंगे। नहीं, हमको तो रोकना चाहिए। आशीर्वाद का हम अचार डालेंगे क्या? अरे वो सब बाद में देख लेना। ये आपका बड़ा बेटा है? नहीं नहीं, ये छोटा बेटा है, मोनू। और ये हमारी बहू माया, अभी अभी बम्बई से आए हैं यहाँ पे। मैं बहुत लकी हूँ कि हम मम्मी जी की ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं। ऊपर वाली मंजिल छोटे बेटे ने दे दी जी। उस पर इतना प्यार क्यों जी? अब कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा ये स्वीट डिश भी मैं ले आऊंगा, लेकिन कम से कम आप मुर्गी तो लाएंगे ना? भाई वो भी आप ले आना भाई। काट हम देंगे। ये आपके छोटे सरपंच जी गांव के कसाई है क्या? पीठ सिद्धी, कितनी बार थारे से कहूं कि पीठ सिद्धी करके बैठा कर, बिल्कुल शांत से, जैसे बापू बैठे। देख कैसे बैठे बापू। नहीं वो मैं कभी कभार पीठ झुका के बैठता हूँ ना, तो रीमा को पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे प्यार से कोनी मार देती है। मम्मी जी आप जरा आइए ना इधर, आप लोग बातें करते रहिए। अभी आती हूँ। ये शादी डील चेक कर लीजिए आप। मम्मी जी ये लोग आपको थोड़े, मोनू मैं खुश नहीं बोलूंगी। सोनू खुश है ना, तो मैं भी खुश हूँ। बोल इब के हुआ? सुन पैसे ना दे रहा से ना, उड़ा डाल उसे। सुन छोटी छोटी बातों के लिए ना बार बार हमारे को फोन ना किया कर, बिजी हूँ मैं, चल। और आपकी बहू तो एकदम बैंडेड क्वीन लग रही है। मोनू शादी से पहले माया पे भी कई सवाल उठे थे, लेकिन अब तो वो मेरी बेटी जैसी है ना, रीमा भी बन जाएगी। इसे कहते हैं संगीत। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है भैया। तेरी रीमा इससे पहले जीटी रोड पर ट्रक चलाती थी क्या? पी के माइक पे जो गालियां दी हैं तुझे सबके सामने, टैलेंट है बॉस। जब भी शादी है थोड़ी गाली गलौज तो होती है। उफ, ये शेरवानी। मोनू मैं तेरी टी शर्ट मार रहा हूं। सुमित तुम्हें भैया से बात करनी चाहिए, ये शादी उनके लिए सही नहीं है। छोड़ो ना यार, कौन सी शादी किस मर्द के लिए सही होती है बताओ। रीमा उन्हें खुश नहीं रखेगी, देखा नहीं कैसे डांटती रहती थी उन्हें। हम अलग हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब हम अलग हैं, तुम तो मेरी भलाई के लिए मुझे डांटती हो ना। सुमित कुछ करो, कुछ करो, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन सारे कार्ड बट चुके हैं माया, अब अगर कायनात भी पूरी कोशिश करे ना तो केटर से एडवांस वापस नहीं आ सकता। सुमित दिस इज सीरियस, मर्द बनो, और अगर नहीं बन सकते ना तो मैं कुछ करता हूँ। तुम्हें मर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ। अब पेट तक सांस ले पा रहा हूँ। रजनीश मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बता। तुझे अपनी शादी टालने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि माया प्रेग्नेंट है। गेट आउट। भैया क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और रीमा की जोड़ी, मेरा मतलब है क्या आप अपनी पूरी जिंदगी गालियां सुनते हुए बिता देंगे? मेरे पेट की तरफ मत देखिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं भैया। हाँ वो तुम रीमा के बारे में गलत समझ रही हो माया,
वो तो मैं हो ही गाली देने लायक ना, अजीब बेहूदी हरकतें जो करता रहता हूँ। अरे नहीं, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मम्मी जी, आपके साथ गप्पे लड़ाए बगैर कैसे सो सकते हैं? बैठे ना। मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगा कि रीमा की भाषा कुछ ज्यादा ही पवित्र थी? बहुत रंग बिरंगी शब्द। हाँ, मुझे भी आज थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी लगी है ना, पर शादी की टेंशन होगी ना। मुझे तो वो एक नंबर की 10 नंबर ही लगी। माया माया, सोनू के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत है? और अगर वो खुश है ना तो हमें भी खुश होना चाहिए। और मैं अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देती। लेकिन मम्मी जी, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करती है तो इसे दखल देना नहीं कहते। गुंडों के परिवार में शादी कर रहे हैं हम। उसका भाई तो बात बात पे गोली चला रहा था, हवा में इतनी गोलियां चलाई कि पंखे का मोटर और 45 कबूतर साथ में गिर गए नीचे। जेल में होना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक कहा ना मैंने माया? बोलू के बच्चे, तू मेरी होने वाली बीवी के परिवार के बारे में बात कर रहा है, याद रखियो। सोनू सोनू, एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ, एक बार फिर से जरा शांत दिमाग से सोच लेना। भैया, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे। अरे कमाल है आप लोग, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आप लोग बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। आपको लड़की गुंडी लगती है ना, लेकिन मेरे लिए वो लड़की स्ट्रांग है, अपनी समझ रखती है, और इसीलिए वो मुझे पसंद है। अगर आप लोगों को शादी में नहीं आना तो मत आइएगा, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा और फेरे होने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए आप? यहां तो तू जैसे तैसे बच गया, पर रीमा के दलदल में बहुत बुरी तरह से धस जाएगा मेरे भाई, मैं तुझे बोल रहा हूं। ठीक कहा ना मैंने माया? ओहो, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, कम से कम शादी तो कर रहा है ना। झाड़ू लेके आओ। अरे शेरवानी कितनी सूट कर रही है, बहुत हैंडसम लग रहा है तू। हैंडसम ना, बिल्कुल बंदर लग रहा सर। और इससे भी, मैंने तो थारे को दूसरी शेरवानी पहनने के लिए बोली थी, तूने ये क्यों पहन ली? मम्मी जी, आपकी चॉइस ना बिल्कुल अच्छी ना लगी मारे को। आगे से इनका कोई भी कपड़ा सिलेक्शन आप मत करना, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से ना इसके कपड़े तुम ही खरीदना। ठीक सर। क्या, अबे क्या रखा है इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। एक मिनट रजनीश, वो पूरी सब्जी की डील में इनकी तरफ से सब्जी आने वाली थी ना, वो नहीं आ रही। बाबा जी, सब्जियां रास्ते में ही होंगी। अबे तब तक तो रास्ते लग जाएंगे। हाँ आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। पंडित जी कुछ कह रहे हैं से, उनकी भी बात सुन ले। सॉरी रीमा। लड़की है कुछ ज्यादा हिंसक लग रहे हैं ना। मम्मी जी, मैं तो कह रही हूँ अभी भी। चुप करो आया, इसकी खुशी में मेरी खुशी बस। आ पंडित, रागोलियां भले ही कितनी चल जाए, रपारियो मंत्र कति रुकना नहीं चाहिए। रायो भी अपनो दस्तूर से। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हां बस बेटे, बिगड़े हो जाते हैं। अरे लेकिन गंगा जल तो है नहीं, फेरे कैसे होंगे? अच्छा मैं गंगा जल लाती हूँ, आप फेरे शुरू कीजिए। हाँ, अभी लाती आइए। मत तो पीछे हो, पहले फेरों भी आगे आएगा और मैं मोबाइल पर मंत्र चालू करता हूँ। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदिशं। थारे परिवार वाले हमारे ऊपर जोर जोर से फूल फेंक रहा है। तो तुम्हें मेरे परिवार का फूल फेंकना भी पसंद नहीं है क्या? ना पसंद है। और सुन, उस सुमित को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब यो से कि तू बड़ा भाई से और ऊपर वाली मंजिल थारी होनी चाहिए। हाँ लेकिन माया और राजिया को लेकर सुमित कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, भारी को के जहन्नुम में जाए,
तुम्हारे को तो अपने जूतों के वास्ते एक बड़ा कमरा चाहिए तो चाहिए बस। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और नहीं वरना वरना के रीमा इब मैं थारे को बताती हूँ कि मैं के करूंगी। नहीं करनी है मारे को थारे से शादी, फाइनल। बहुत झेल लिया तुम वालियाओं को, मोरी तो मत मोई गई थी जो इससे शादी करके सोच रही थी तुम लोगों के घर में आ जाऊं। रीमा लो पंगा चला गया। क्या हुआ यहाँ? मम्मी जी मुझे बहुत भूख लग रही है, हम लोग बाहर होके आते हैं ना। चुप कर। सोनू क्या हुआ? मम्मी जी 3.5 फेरों के बाद रीमा ने शादी तोड़ दी। क्या रीमा ने शादी तोड़ी? रीमा ने? पंडित जी जरा गंगा जल पकड़ी। सुन लड़की, तू ना मेरे बेटे के लायक कभी थी नहीं, अगर होती ना तो शुक्र मनाती कि तुझे ऐसा परिवार मिला जो तुझसे प्यार करता है। अरे तू क्या मेरे बेटे के साथ रिश्ता तोड़ेगी? मैं मेरे बेटे का रिश्ता तुझसे तोड़ती हूँ। अरे भैर देखो इससे न चिल्लाएगा। चुप कर। अपने पास ही रखो अपने ये दो अंगूठा चुस्स बेटे। हे रीमा तू अपनी सीमा पार कर रही है, समझी? क्या बोली तू? क्या बोली? अंगूठा चूस, अंगूठा चूस। शांत हो जाइए मम्मी जी, शांत हो जाइए। ए बी ग्रेड फिल्मों के आइटम गर्ल। आइटम गर्ल? हाँ पता है वो मशहूर फिल्म थी ना बी ग्रेड, कम्मो की निकम्मी कमर, उसकी निकम्मी कम्मो यही तो है। हाँ सही कहा आपने, हाँ यही है वो आइटम गर्ल। देखो ये वीडियो। आपको कैसे पता चला? मुझे क्या लगा मैं मेरे बेटे का रिश्ता किसी के साथ भी कर लूंगी? मुझे सब पता था, बस अपने बेटे के प्यार की खातिर चुप थी मैं। लेकिन अब ना तू और तेरा परिवार यहाँ से निकल जा वरना मैं कबूतर को तेरे उड़ा दूंगी। चलो बापू चलो। छोरी राम राम जी। छोड़ बापू राम राम। अरे चल तू। आंटी राइफल कुरियर करवा देना। हट। तो तुझे नहीं पता था कि वो आइटम बोल। मम्मी जी आप ना राइफल नीचे कर दीजिए, आपके इस प्यार वाले गुस्से पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं क्या पूछ रही हूँ? मम्मी जी मुझे पता था, लेकिन प्यार और कानून तो दोनों अंधे होते हैं ना, और मैं तो दोनों का पुजारी हूँ। अरे मुझे क्यों नहीं बताया? मोनू तू माया के बारे में ऐसी कोई बात छुपा नहीं रहा है ना मुझसे? मम्मी जी डॉली कमाल के रिश्तेदार हैं, पूरी मेरी, अचार मेरा, सब्जी भी मेरी। चुप करो। खाना खाना खाना। उस दिन के बाद रजनीश ने उसे कभी नहीं देखा। देखा ना लेकिन पायरेटेड डीवीडी पर। ओह सारा बोझ हल्का कराया। क्या हुआ रजनीश? कैसे हो तुम? हाय रीमा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी अच्छी हूँ। रीमा ये सिमरन है मेरी दोस्त। हाय। और बाकी सबको तो तुम जानती ही हो। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। ठुक ठुक। दांत पे कुछ अटका था। थैंक यू रजनीश, तुम्हें देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एक काम करो, दैट्स माय कार्ड, पर्सनल है, जब भी मन करे कॉल कर लेना, बी इन टच, बाय गाइस। थू थू थू। मम्मी जी पूरी तरह से नहलाओगी क्या? भैया आप ठीक तो? हाँ पता है मजे की बात क्या है कि उसे देख के ना मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ,
जैसे हमारे बीच में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। अब तो बस तुम ही तुम हो सिमरन और कोई नहीं। अबे बाकी खाना भी ले आओ। आओ दाल की ऑर्डर कितनी वो भी तो लेके आए यार। राइस लाओ। ना खाना से वेस्ट मंगाया तो ठीक लेकिन सारे मुर्गे खाने की क्या जरूरत थी। अबे मोनू जसबीर दी वालिया एक बार कमिटमेंट कर देता है ना तो फिर अपने पेट चलो 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 चलो। अबे यार तू कहाँ जा रहा है? अरे वो मैं टिप दे कर रहा था ना। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना। Bombay.